जल्दी आना यार, गाड़ी स्टार्ट है, तेल खत्म हो रही ना, जल्दी करो, इसको बोल जल्दी आने को यार, जल्दी आ जाओ। खानी है तो ताजी लग रही है, अभी लिया ना सुबह सुबह कौन साहब। ये लड़की ने पूरा बदमाशी की है, देखो आगे कोई गाड़ी नहीं है, वही सोच रहा हूँ, लेकिन अभी भी बहुत सारे काम बाकी हैं, तो अभी मैं अपना यूनिफॉर्म धो रहा हूँ। इसके अलावा अभी मैंने अपने बर्तन भी धोने हैं। आप तो सोच रहे होंगे कि मैं बैग क्यों लेके जा रहा हूँ, मेरे पास बैग क्यों है, मैं कोई पढ़ाई के लिए थोड़ा जा रहा हूँ, मैं तो जॉब के लिए जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुबह के 4:30 बज चुके हैं, तो सूरज भी निकलने वाला है, तकरीबन 20 मिनट के बाद सूरज निकल आएगा। तो मैं अपने रूम से नीचे आ गया हूँ, और मेरे रूम के पास में ही मस्जिद है, उधर जाकर पहले नमाज पढ़ते हैं, फिर बाद में हम आज का व्लॉग शुरू करेंगे। मैंने नमाज अदा कर ली है, और आपको अब अंदर से मस्जिद भी दिखा देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है और बहुत वसी मस्जिद बनी हुई है। इस मस्जिद में तकरीबन 1000 से ज़ायद नमाजी एक टाइम नमाज अदा कर सकते हैं। ये सामने इसका मिंबर शरीफ है, जो कि बहुत खूबसूरती के साथ लकड़ी के साथ बनाया गया है, इसलिए मैंने सोचा चले आपको भी मस्जिद दिखा देता हूँ। ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद है, मेरे रूम के बिल्कुल पास में ही है। अभी मैं नाश्ता लेने के लिए होटल पर आ गया हूँ, तो इधर से लेंगे एक पराठा और जाकर रूम में करूँगा नाश्ता। तो ये खान भाई तंदूर पर रोटियाँ भी बनाते हैं सुबह सुबह, और साथ पराठे भी बनाते हैं, तो मैं इधर से एक पराठा लूँगा और जाकर करूँगा रूम में नाश्ता। तो ये मैंने अपना पराठा ले लिया है, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में मेरा नाश्ता, तो भी जाकर रूम में नाश्ता करूँगा सबसे पहले। जी मैं नाश्ता लेके अपने रूम में वापस आ चुका हूँ, तो सबसे पहले करते हैं जी रूम की लाइट्स ऑन, और आपको थोड़ा सा अपने रूम का विजिट मैं करवा देता हूँ। तो ये हमारे रूम में बेड लगे पड़े हैं, बाकी दोस्त अपने बेड तरतीब करके ड्यूटी पे जा चुके हैं, और मेरा बेड ऐसे ही अभी ब्लैंकेट रैंडमली पड़ा हुआ है, और मैंने अभी अपना यूनिफॉर्म भी प्रेस करना है, तो जल्दी से मैं सब तरतीब दे लेता हूँ। मैंने यूनिफॉर्म प्रेस कर लिया है, और साथ में फ्रेश भी हो चुका हूँ, नहा भी लिया है, और मेरा नाश्ता भी बिल्कुल रेडी पड़ा है। मैं एक आलू का पराठा लेके आया हूँ, साथ थोड़े से चने हैं और थोड़ा सा हलवा है, और जल्दी से अब करते हैं नाश्ता। जी मैं नाश्ता करके यूनिफॉर्म पहन के बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ ड्यूटी पर जाने के लिए, और अभी उठाती हैं अपना बैग और निकलती हैं ड्यूटी के लिए। अभी रूम को लगा देते हैं लॉक और निकलते हैं नीचे। जी मैं अपनी रिहायश से बाहर निकल चुका हूँ, ब्लॉग कर देते हैं और निकलते हैं ड्यूटी के लिए। जी आज के ब्लॉग में मैं अपनी आपको रूटीन बताऊंगा, जी एक परदेसी की क्या रूटीन होती है ड्यूटी पे जाने की, कितने बजे वापसी आता है, और वो यानी कि कब सोती हैं, उसकी मुकम्मल डिटेल यानी कि एक छोटी सी वीडियो में आपको दूँगा। तो दोस्तों ये मेरा आज का पहला ब्लॉग है, तो इसमें हो सकता है कमी पेशी होगी, लेकिन आपने ब्लॉग को मुकम्मल वॉच करना है, और आखिर में लाजमी कमेंट करके मुझे बताना है कि मेरा ब्लॉग कैसा है और हम इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। आप सब दोस्तों की राय बहुत मुफीद होगी मेरे लिए, और लाजमी आपसे रिक्वेस्ट है व्लॉग मुकम्मल देखें और लाजमी कमेंट करें यानी कि कैसा रहा व्लॉग और इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। चलिए अभी चलते हैं रोड की जानब, गाड़ी आती होगी और बैठ के निकलते हैं। मैं अपने बस स्टॉप के पास आके बैठ गया हूँ, और करते हैं गाड़ी का इंतज़ार। हमारी गाड़ी में एक हमारे शहजाद भाई हैं हरीगर साहब, वो अमूमन लेट ही आती हैं सुबह, तो अभी मैंने अभी कॉल भी की है जवेद भाई को, बोलते हैं जी शहजाद भाई का वेट कर रहे हैं, शहजाद भाई भी नीचे नहीं आए, तो हम बैठे हैं सभी दोस्त इसी तरह वेट कर रहे हैं अपने अपनी नीचे गाड़ी का, तो मैं भी बैठ के वेट कर रहा हूँ, आते हैं जवेद भाई और निकलते हैं आगे। आप तो सोच रहे होंगे कि मैं बैग क्यों लेके जा रहा हूँ, मेरे पास बैग क्यों है, मैं कोई पढ़ाई के लिए थोड़ा जा रहा हूँ, मैं तो जॉब के लिए जा रहा हूँ। तो जो दोस्त इधर पहले गल्फ़ में काम करते हैं या किसी भी मुल्क में काम करते हैं, तो उनको मालूम है, तो मेरे मोस्टली जो सब्सक्राइबर हैं वो पाकिस्तान से ही हैं, तो मैं बता देता हूँ इस बैग में यानी कि हेलमेट होता है और कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं और खाना इस तरह की चीज़ें, पानी की बॉटल, तो ये सब चीज़ें हम बैग में लेके जाते हैं। हाथ से उठाने से बेहतर है कि छोटा सा बैग हो जाए, उसमें डाल के सब चीज़ें ले जाएँ। तो ये हमारी गाड़ी आ गई है, जवेद भाई आ गए हैं, तो उनसे पूछते हैं, तो गाड़ी में बैठते हैं। अस्सलाम वालेकुम लाला, कैसे हैं? लाला यार आज फिर लेट हो गए आप लोग, शहजाद लेट आए ना, शहजाद की वजह से। ये हमारे ये शहजाद भाई हैं, ये मुमन मोस्टली लेट ही आती हैं, मैंने पहले भी आपको बताया ये ऐसे करते हैं, अभी भी ये 10 मिनट लेट आए हैं, तो थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। अभी अली भाई बैठते हैं हमारे साथ, जल्दी आना यार, गाड़ी स्टार्ट है, तेल खत्म हो रही ना, जल्दी करो, इसको बोल जल्दी आने को यार, जल्दी आ जाओ।
दोस्तों अली भाई भी आ चुके हैं और ये भी पहले तो रूटीन पे ये अपने टाइम पे आ जाते हैं लेकिन आज ये भी लेट हो गए हैं। तो अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाता है दोस्तों का। ये हमारे जावेद भाई हैं, इसको हम प्यार से लाला जी बोलते हैं। ये हमारे साथ एच एस सी ऑफिसर्स हैं और उसके बाद ये अली भाई हैं मेरे पीछे जो अभी लेट आए हैं आज, ये भी हमारे एच एस सी ऑफिसर हैं। और इसके साथ ये शहजाद भाई, ये हमारे रिगर साहब हैं और वो साथ भी बैठे हुए हैं समी भाई, ये हमारे साथ एज ए परमानेंट रिसीवर काम कर रहे हैं और मैं भी यानी कि परमानेंट रिसीवर ही काम कर रहा हूँ। तो ये हम पांच दोस्त हैं, सब एक गाड़ी में जाते हैं। तो ये गाड़ी अभी हमारे जावेद भाई ने ले ली है, हमें बहुत खुशी हुई कि अब जावेद भाई के साथ जाएंगे। तो जावेद भाई को नई गाड़ी की मुबारक भी देते हैं लाला जी, मुबारक हो। तो लाला जी ने हमें मिठाई भी खुवाई है, वो भी आपको सीन सारा कैप्चर मैंने किया हुआ है, वो भी आपको मैं अभी दिखाऊंगा। हाँ अरेगर भाई बोल रहे हैं कि बात तो फलूदे की होती लेकिन लाले ने हमें एक दो रसगुल्ला खुवा के तो फारिग कर दिया। इंशाल्लाह फलूदा भी खाएंगे। हाँ जावेद भाई बोल रहे हैं इंशाल्लाह फलूदा भी खुवाएंगे तो वो भी आपको दिखाएंगे बाद में। जी समी भाई जुमा को बहरीन जाना है, बहरीन कंट्री। हाँ लाला समी भाई बोल रहे हैं कि लाला जुमा को बहरीन लेके जाएगा, बहरीन का ट्रिप होगा क्योंकि गाड़ी अब लाले ने खुद की ले लिया है। तो इंशाल्लाह हम इस पे अब मजे भी करेंगे और झूले भी लेंगे खूब। पहली पार्टी बरीन होगी वो भी रिगर भाई की जानिब से। बिल्कुल क्यों लाला जी? जी बिल्कुल 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 ओके हो गया। खान ये तो ताजी लग रही है, अभी लिया ना सुबह सुबह। रिगर साहब अभी लोग एक आदमी अभी मैं पहले उधर गया ना, मैं जो अपनी साइट एरिया पर पहुंच चुके हैं और सुबह सुबह प्लांट की मेन गेट पर ऐसे रश लगा होता है क्योंकि सभी गाड़ियां आ रही होती हैं और हम भी अपनी गाड़ी को यहां पे कहीं पार्क कर देते हैं क्योंकि हम अंदर नहीं जा सकते गाड़ी लेके प्लांट के अंदर, हमारी गाड़ी का एक्सेस नहीं है और कंपनी की गाड़ी का एक्सेस है और हम सब लोग कंपनी की गाड़ी में बैठ के अंदर जाएंगे। हम लोग प्लांट से वापस बाहर आ चुके हैं और प्लांट के अंदर कोई भी वीडियो बनाना सख्ती से ममनू है, तो इसलिए मैं अपने काम की कोई भी वीडियो नहीं बना सका वरना आपको बराबर बताता हम लोग कैसे काम करते हैं, क्या क्या काम करते हैं। तो ये चूहे पकड़ने वाला भी रख देना पीछे। यार थोड़ा हो जाओ थोड़ा। लाले ये डिक्की कितने जोर से बंद किया तुम, ये लाग तेरा खराब करेगा। डिक्की आराम से बंद किया करो ना अली भाई। अली भाई डिक्की खराब हो गया तो फिर लाले अगर लाग खराब हुआ तो पैसा अली देगा। अली देगा ना पैसा। जी दोस्तों हम सब दोस्त बाहर आ चुके हैं और हमारी ड्यूटी ऑफ हो चुकी है, हम जा रहे हैं रूम में वापस और हमारी सुबह 6:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक ड्यूटी होती है और तकरीबन 1 घंटे का हमें ब्रेक मिलता है बाद में 12 बजे से लेकर 1 बजे तक और 5:30 बजे छुट्टी। उसके बाद तकरीबन अभी 45 से 50 मिनट हो गए 5:00 बज के और हम जा रहे हैं वापस। के टाइम ट्रैफिक ज़रा ज़्यादा रहता है रोड पर और हम अभी भी ट्रैफिक की वजह से खड़े हैं। तो इधर से बाहर जा सकती गाड़ी? ये लड़की ने पूरा बदमाशी की है, देखो आगे कोई गाड़ी नहीं है वही है। ट्रैफिक की वजह से हमें राइट कट करना पड़ा और शॉर्टकट लेना पड़ा। ये मार्केट्स आ रही हैं सब यहाँ पे, वहाँ पर पांडा बहुत बड़ी मार्केट है इस बेल की और मोस्टली लोग यानी शॉपिंग के लिए वहाँ जाते हैं तो हर तरह की चीज़ें यहाँ से अवेलेबल हैं। तो इंशाल्लाह किसी दिन वहाँ पे जाके वो भी आपको दिखाएंगे अंदर से भी। शहजाद भाई और लाला जी हमारे लिए आइसक्रीम लेके आ रहे हैं, ये तो कट करने का ये भी फायदा हो गया अब आइसक्रीम भी खाते हैं। ये ले अली मियां अभी पकड़ लो उधर में। अली भाई कैसा लगा? अली भाई तो बिल्कुल खामोश हो जाते हैं यार। ये समी भाई लाले थैंक यू यार फिर एक मरदा शहजाद ले गया। हाँ थैंक यू शहजाद थैंक यू। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम सेफली अपने रूम के पास पहुंच गए। ठीक है लाला जी थैंक यू। ओके दोस्तों अस्सलाम वालेकुम बाय। तकरीबन 6:15 हो चुकी हैं और मगरब की अजानें भी होना शुरू हो चुकी हैं और मैं अपने रूम के पास आ चुका हूं। ये सामने मेरी बिल्डिंग में मेरा रूम है और अभी चलते हैं जाके फ्रेश होती हैं और नमाज़ के लिए निकलते हैं और नमाज़ के बाद भी बहुत काम बाकी हैं।
दोस्तों नमाज मगरब अदा कर ली है और अभी जाना मैंने तंदूर पर रोटी लेने के लिए। तो इस टाइम शाम के टाइम तंदूर पर बहुत ज़्यादा रश होता है, ये आप देख भी लें कितनी तादाद में लोग खड़े हैं। तो इधर भी अभी 10 से 15 मिनट ऐसे ही लग जाएंगे रोटी लेने के लिए। तो ये देखें यहाँ पर बड़ी बड़ी सी रोटी मिलती है। तो ये अपने दोस्त काम कर रहे हैं, सुबह इधर से मुनासर के लिए आता हूँ तो रोटी के लेने आता हूँ। जी रोटी लेके अभी जा रहा हूँ रूम में वापस। और ये देखें कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं गलियों में, तकरीबन जो लोग अच्छी सैलरी वाले होते हैं वो हर बंदा अपनी गाड़ी रख लेते हैं। खाना खा के फारिग हो चुका हूँ लेकिन अभी भी बहुत सारे काम बाकी हैं। तो अभी मैं अपना यूनिफॉर्म धो रहा हूँ, जो यानी कि सुबह मैं रोज़ पहन के जाता हूँ कपड़े यूनिफॉर्म के। तो इसके साथ इसके अलावा अभी मैंने बर्तन भी धोने हैं क्योंकि अभी खाना खा के फारिग हुए हैं तो सारे बर्तन धोने वाले पड़े हैं मेरे, तो अभी साथ में बर्तन भी धोऊँगा। ये माई डेली रूटीन होती है। और जो खाना वो दूसरे दोस्त बना देते हैं साथ में, ड्यूटी के बाद मैं रोटी लेने जाता हूँ, रोटी के बाद हम खाते हैं और उसके बाद मैं यानी कि बर्तन वाश करता हूँ। तो ये हर परदेसी की यही लाइफ है। अभी 8 बजने वाले हैं तो तकरीबन 8:15 मिनट पर इशा की नमाज होगी, तो जमात के साथ नमाज पढ़ने जाऊँगा। तो नमाज पढ़ने के बाद तकरीबन 8:45 या 9 बजे रूम में वापस आऊँगा। तो उसके बाद 10-15 मिनट मोबाइल देख लेंगे, थोड़ा वीडियो, तकरीबन 9:30 बजे तक हम सो जाते हैं। तो सुबह फिर वही रूटीन लाइफ, 9:30 बजे सो के सुबह यानी कि 4:20 साढ़े 4 बजे उठ के फजर पढ़ो, खाना नाश्ता करो, फिर ड्यूटी पे चले जाओ। तो यही हमारी डेली की रूटीन लाइफ है। उम्मीद करता हूँ आज का ये व्लॉग आपने बहुत इन्जॉय किया होगा और ये मेरा पहला व्लॉग था, हो सकता है इसमें कमी पेशी ज़रूर होंगी लेकिन आप सब दोस्तों के तामन से इंशाल्लाह व्लॉगिंग में भी एक दिन प्रोफेशनल बन जाऊँगा। तो आप सब दोस्तों के तामन की बहुत ज़रूरत है, सब दोस्त लाजमी कमेंट कीजिएगा कि आपको व्लॉग कैसा लगा और नेक्स्ट टाइम मुझे व्लॉगिंग करनी चाहिए या फिर जैसे पहले मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ वीडियोस बनानी चाहिए। और आप सबका एडवांस में शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन कमेंट लाजमी कीजिएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।